तो कक्षा 12 के प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वार्षिक परीक्षा 2022 हेतु कक्षा 12वीं राजनीति शास्त्र या राजनीति विज्ञान विषय का पेपर। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो कक्षा 12वीं के प्यारे विद्यार्थियों, आपका जो राजनीति शास्त्र विषय का पेपर होने वाला है, तो वैसे तो आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से रही होगी और आप सभी ने टॉपिक वाइज राजनीति विषय कंप्लीट पूरा कर लिया होगा। पर फिर भी दोस्तों, कई बच्चों को ये उम्मीद लगी रहती है कि हमारा पेपर कैसा आएगा, किस प्रकार से दोस्तों हमारे प्रश्न उसमें पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो में हम आज आपको बताने वाले हैं वार्षिक परीक्षा कक्षा 12वीं राजनीति विज्ञान विषय का फुल पेपर। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले आप सभी लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही दोस्तों बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आप सबको हमारे द्वारा अपलोड होने वाले वीडियो बराबर मिलते रहे। तो दोस्तों, वैसे तो आपके पिछले पेपर भी बहुत अच्छे रहे होंगे क्योंकि आपने मेहनत ही इस कदर से की होगी। और अगर कोई कोई से पेपर आपके गड़बड़ अगर हुए हैं तो उसमें निश्चिंत हो, चिंता करने वाली ऐसी कोई बात आपको नहीं है। वैसे आप अगले विषयों पर ध्यान दोगे तो आप सभी के लिए ये बेहतर होगा। तो आप सभी लोग राजनीति शास्त्र विषय की तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा, जिससे कि दोस्तों आप सभी लोग राजनीति विषय के पेपर में अच्छे से सब कुछ लिख के आ सको। दोस्तों, वैसे तो राजनीति विज्ञान हो गया या आपका अर्थशास्त्र हो गया, भूगोल हो गया, इन सभी विषय की आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे से हो गई होगी। पर फिर भी एक बार आप सभी लोग इसका रिवीजन आज रात को जरूर कर लें, क्योंकि अभी आपके पास में पर्याप्त समय है। इस समय में आप आसानी से दोस्तों चाहे जितना चैप्टर या चैप्टर वाइज या इकाई वाइज आप याद कर सकते हो। और एक बात और मैं आपको बता दूं दोस्तों, कि आपके पास में जो भी अध्ययन सामग्री है उसमें से जो शुरू के फर्स्ट पेज पर जो ब्लूप्रिंट दे रखा है, उस आधार पर अगर आप तैयारी करोगे तो और अच्छे अंक दोस्तों आप अपनी परीक्षाओं में ला पाओगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में पूरी चर्चा करने वाले हैं कि दोस्तों आप राजनीति विज्ञान विषय का पेपर आपका कैसा आएगा, क्या सारी चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी। तो चलिएगा दोस्तों, बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि राजनीति शास्त्र या राजनीति विज्ञान विषय का पेपर आपका कैसा होगा। वीडियो को अंतिम समय तक जरूर देखिएगा दोस्तों। होता यह है कि कई बार आप वीडियो को आधा अधूरा देखते हो तो इस वजह से आपको पूरा समझ में नहीं आता है और फिर आप अगले रोज पेपर देने के बाद में कमेंट करते हो कि सर आपने जो बताया था वो नहीं आया, तो ये है वो है। तो इस प्रकार से आप पूरा अगर वीडियो देखोगे दोस्तों तो सभी कुछ इसी प्रश्न पत्र में से आएंगे, क्योंकि मैं आपको पता है कि मैं एक वीडियो सीरीज बनाता हूँ, यानी कि एक सब्जेक्ट के ऊपर आपको मेरे 4 वीडियो मिलते हैं और उन 4 वीडियो में से दोस्तों पूरा सिलेबस आपकी परीक्षाओं का फंसता है। तो आप सबसे पहले दोस्तों प्रत्येक वीडियो को जरूर ध्यानपूर्वक देखें, उन्हीं वीडियो में से आपकी परीक्षाओं में प्रश्न आ रहे हैं, बैठ रहे हैं। मैं खुद भी मिला रहा हूँ बार बार, जो भी आपके पेपर होते हैं उनसे मैं भी मिलान करता हूँ कि कितने प्रश्न इसमें से बैठे हैं और कितने नहीं आए हैं। तो आप सभी लोग पूरा वीडियो अगर देखोगे दोस्तों तभी जाके आपको यकीन होगा कि हाँ, जो सर बता रहे हैं वो पूरा सही है। तो आप पूरा वीडियो देखकर जरूर जाइएगा दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिएगा दोस्तों, बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्या आपको भी पढ़ाई को लेकर डाउट है? तो बिल्कुल मत घबराओ, इसका सॉल्यूशन है डाउटनेट ऐप पर। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसका फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड में उसका वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। अब आप पूछ सकते हो अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी, चाहे आपका सवाल 6ठी से लेकर 12वीं तक का हो या IIT, JEE या नीट का हो या फिर CBSE, UP, बिहार, राजस्थान या अदर स्टेट बोर्ड का हो। कोई भी सवाल हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब है डाउटनेट ऐप पर। डाउटनेट पर चल रही है 9वीं से लेकर 12वीं IIT, JEE और नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों के बच्चे लेकर आए हैं 1 रैंक। तो आज ही डाउनलोड करो डाउटनेट ऐप, अपने सभी डाउट भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। तो सबसे पहले अगर देखा जाए दोस्तों तो आपके पेपर की शुरुआत कुछ इस प्रकार से होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 1 में दोस्तों आपसे सही विकल्प पूछे जाएंगे, तो सारे सही विकल्प आप दोस्तों यहां से देख सकते हो। पहला वाला सही विकल्प दिया गया है, नाटो संधि का हस्ताक्षर किस वर्ष हुए? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, यानी कि आपको इस पे चिन्ह लगा लेना है। नाटो दोस्तों एक सैनिक संगठन है, इसके ऊपर आप जरूर थोड़ा रिसर्च करके पढ़ाई कर लीजिएगा, क्योंकि इसके ऊपर दोस्तों एक प्रश्न भी बन सकता है। तो पूरा आप दोस्तों इसको अच्छे से देखेंगे और इसको अच्छे से याद भी कर लेंगे। चलिएगा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों पूरा वीडियो देख कर ही आप जाइएगा। अगर आप आधा अधूरा वीडियो देखोगे तो आप खुद समझते हो दोस्तों कि किसी भी विषय का अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है। तो इसलिए पूरा वीडियो देखकर अगर आपको जाओगे तो दोस्तों आपको परीक्षाओं में बिल्कुल यही का यही क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा, या इससे संबंधित थोड़ी बहुत चीज़ें आपकी चेंज देखने को मिल सकती है, पर ज़्यादा चेंज नहीं होगा, क्योंकि मैं खुद इस बात का मिलान कर रहा हूँ बार बार। तो अगला देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो, USSR के विघटन से विश्व की राजनीति हो गई है। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर होगा ये बी वाला हो जाएगा, एक ध्रुवीय हो गई है। अगला देखते हैं, हेगेमनी शब्द की जड़ें हैं, हेगेमनी शब्द की जड़ें क्या है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राचीन यूनान में।
तो ये आपको लगा लेना है। एशियन वे या आसियान शैली क्या है, तो चौथे नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, ये आपको चिन्ह लगा लेना है। अगला देखते हैं दोस्तों, बांग्लादेश नाम का राज्य कब अस्तित्व में आया, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, तो ये आपको लगा लेना है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ देते हैं, तो अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख पा रहे हो दोस्तों, ये दिया गया है अगला क्वेश्चन, ये पूरी दिया गया है, पूरा आप इसको यहाँ से नोट कर लीजिएगा। एनडीए का पूरा नाम है, तो एनडीए का पूरा नाम क्या है दोस्तों, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, तो आगे से दोस्तों आप यहाँ से रिक्तस्थान पूर्ति आसानी से देख पा रहे हो। रिक्तस्थान पूर्ति में दोस्तों आपसे सात रिक्तस्थान पूछे जाएंगे। पहला वाला रिक्तस्थान दिया गया है साम्यवादी गुट का नेतृत्व कर रहा था, तो इसमें दोस्तों आपको सोवियत रूस भर लेना है। क्या आपको इसमें भर लेना है, सोवियत रूस, इसमें आपको सोवियत रूस लिख लेना है। चलिएगा दोस्तों आप आगे बढ़ते हैं, बर्लिन की दीवार को तोड़ दिया गया, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 नवंबर 1989, तो आप इसको इस प्रकार से लिख लीजिएगा 9 नवंबर 1989, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको इसमें लिख लेना है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर आप समझ सकते हो, यूरोपीय संघ की एकीकृत मुद्रा को पुकारा जाता है, तो यूरोपीय संघ की जो एकीकृत मुद्रा है दोस्तों उसको यूरो कहा जाता है, क्या कहा जाता है, यूरो। अगला देखते हैं, भारत ने दिनांक को नाभिकीय परमाणु परीक्षण किया, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 11 मई 1998 में, क्या कब किया था, 11 मई 1998 को आणविक नाभिकीय परीक्षण किया गया था। अगला देखते हैं, सन 2004 में विश्व में 160 देशों ने पर हस्ताक्षर किए, तो दोस्तों पाँचवें नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया है इसका राइट आंसर आ जाएगा अपना क्योटा प्रोटोकॉल, इसमें आपको क्या लिख लेना, क्योटा प्रोटोकॉल, इसमें आपको लिख लेना है प्रोटोकॉल, आपको इसमें लिख लेना है। तो दोस्तों ये हो चुका है अपना, अगला आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, पर्यावरण दिवस को मनाया जाता है, तो दोस्तों पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 5 जून को, आपको इसमें लिख लेना है पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगला देखते हैं, काका कलेलकार का संबंध है, तो काका कलेलकार का संबंध किससे है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा पिछड़ा वर्ग आयोग से है, तो इसमें आपको लिख लेना है पिछड़ा वर्ग आयोग, तो ये आपको इसमें लिख लेना है दोस्तों, पूरा आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो आगे आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, सत्य असत्य अगले क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछे जाने वाले हैं, तो सत्य असत्य के भी आपको फटाफट क्वेश्चन के आंसर नोट कर लीजिए। पहला दिया गया है रूजवेल्ट अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तो ये पूरी तरह से आपका सत्य है। अगला देखते हैं दोस्तों, आसियान 10 देशों के क्षेत्रीय संगठन है, तो ये वाला जो है ये भी आपका सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 1972 में ताशकंद समझौता हुआ, दोस्तों ये आपका असत्य हो जाएगा। चलिएगा अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, मैग्ना कार्टा का संबंध मानव अधिकार से है, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया गया है ये आपका सत्य हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, नीति आयोग का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, तो यह सत्य दोस्तों, क्योंकि नीति आयोग का राष्ट्र अध्यक्ष जो होता है राष्ट्रपति नहीं प्रधानमंत्री होता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, विदेश नीति का महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व भू राजनीतिक स्थिति है, तो क्वेश्चन नंबर जो 6 दिया गया है ये आपका सत्य हो जाएगा। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 4 में आपको सही जोड़ी देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर भी आप सही जोड़ी मिलान देख सकते हो। पहला वाला दिया गया दोस्तों, इंदिरा गांधी ने नारा दिया, तो इंदिरा गांधी ने नारा दिया था गरीबी हटाओ का, इसकी जोड़ी इससे मिला लेनी है। अगला देखते हैं, मध्य प्रदेश के विभाजन से राज्य बना, तो मध्य प्रदेश के विभाजन से छत्तीसगढ़ राज्य बना। उत्तर प्रदेश के विभाजन से राज्य बना, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के राज्य के विभाजन से कौन सा राज्य बना था, ये बना था उत्तराखंड। अगला देखते हैं, बिहार के विभाजन से राज्य बना, तो इसके विभाजन से दोस्तों झारखंड बना था। जनसंघ ने नारा दिया, जनसंघ ने नारा क्या दिया दोस्तों, ये आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक देश एक संस्कृति, तो ये वाला नारा जनसंघ ने दिया था। जय प्रकाश नारायण का दोस्तों आपको संपूर्ण क्रांति से मिलान कर लेना है, तो दोस्तों इस प्रकार से आपका जोड़ी मिलान हो जाएगा। चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, तो आगे आप यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 5 में दोस्तों आपसे एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर पूछे जाएंगे, तो पहला वाला आप देख सकते हो यहाँ पर दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है नीदरलैंड के हेग नगर में है। कहाँ पर है, नीदरलैंड एक देश है, इसका एक शहर है हेग नगर, यहाँ पर यह है, तो इस तरह से नीदरलैंड के हेग में इसका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। अगला देखते हैं, सॉल्ट संधि किन देशों के मध्य हुई, तो दोस्तों सॉल्ट संधि अमेरिका एवं रूस के मध्य हुई थी, किसके मध्य हुई थी, एक तो अमेरिका और एक रूस, तो ये दो देश लिख लेना आपको, अमेरिका और रूस के मध्य ये संधि हुई थी। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला दिया गया है, नई विश्व व्यवस्था के सूत्रधार कौन थे, तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया गया है, नई व्यवस्था के सूत्रधार कौन थे, ये आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जॉर्ज बुश, क्या जाएगा, जॉर्ज बुश आपको लिख लेना है।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो प्रीवी पर्स किनसे संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 4 तो दिया गया है, प्रीवी पर्स किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर भी आप देख लीजिएगा। प्रीवी पर्स किससे संबंधित है? तो ये है दोस्तों देसी रियासतों के राजाओं से। तो इसमें आपको लिख लेना है देसी रियासतों के राजाओं से, के राजाओं से, ये आपको इसमें लिख लेना है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। भारत राज्यों का संघ है किस अनुच्छेद में वर्णित है, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है दोस्तों, इसका राइट आंसर आ जाएगा अनुच्छेद 1। क्या आ जाएगा इसमें? अनुच्छेद 1 में ये वर्णित है। आगे देखते हैं पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर हुआ? तो पृथ्वी सम्मेलन ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में हुआ था। कहाँ पर? ब्राज़ील देश में, और शहर का नाम था रियो डी जेनेरो। तो ये आपको लिख लेना है रियो डी जेनेरो। तो इस शहर में पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। अगला देखते हैं 1985 में पंजाब समझौता किन किन के मध्य हुआ? तो दोस्तों 1985 में पंजाब समझौता राजीव गांधी व हरचंद सिंह लौंगोवाल के मध्य हुआ था। क्या लिख लेना है? राजीव गांधी और हरचंद सिंह इनके मध्य ये हुआ था। लौंगोवाल भी आप लिख सकते हो। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 आपको बराबर नोट कर लेने हैं। ये वाला वेरी आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा ऑपरेशन डेजर्ट स्टर्म क्या है, इसको भी आप याद कर लेंगे। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस ये दिए गए हैं, आप लोग इनको भी देखेंगे और याद करेंगे। इसी क्रम में आगे कुछ क्वेश्चंस ये दिए गए हैं, आप फटाफट इनका रिवीजन अच्छे से याद कर लें, क्योंकि अब समय काफ़ी कम बचा आप सभी के लिए। तो आप इन क्वेश्चन को जरूर एक बार अच्छे से पढ़ लें मोटा मोटा तौर पर, तो आप सभी लोग इनको याद कर लेंगे। आगे कुछ क्वेश्चंस और दिए गए हैं, तो आप सभी लोग इनको देखेंगे और बराबर इनको नोट भी कर लेंगे। तो आगे देख सकते हो दोस्तों, कुल क्वेश्चन नंबर 22, 23 यहाँ पे दिए गए हैं, तो आप सभी लोग इनको अच्छे से याद कर लें। और आप सभी को मेरी तरफ से परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं, आपका पेपर अच्छा जाए और आप सभी को धैर्यपूर्वक पूरा आपका क्वेश्चन पेपर हल जरूर करना है। दोस्तों इसी के साथ में इस वीडियो से मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार।